चार चीज बनाया अल्लाह ताला ने, चार चीज में एक चीज भी कम है उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कहता है? हलाल खाइए, हलाल से समझौता करें, नमाज से समझौता करें, वजीफे से, कुरान से, अपने मुर्शिद से और अल्लाह के हुक्म से। आज हम लोग उस हर चीज से फिरे जा रहे हैं, फिरका बहुत तेज है मेरे भाई। मुर्शिद कहते हैं फिरका परस्ती से क्या मतलब, हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे, अल्लाह ताला से मिला दे। मुर्शिद दुआ करते हैं इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर, और कहा लो तुम भी करके आना, लेके नहीं गए नबी पैगंबर रस करेंगे। काश की ये दुआ हमें मिली होती जो हक्कानी अंजुमन को मिला इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। बहुत बड़ी चीज है ये, जान ले आप। आज इस इलाके में कई दिन से मजलिस चल रही, 12-13 दिन हो गया है। अल्लाह ताला अपने रहमत बरकत से पूरे इलाके को घेर के रखा है। जब आप घर से चलते हैं अल्लाह ताला देख ले जितना फल चल के आता है इंसान, लिख के रखिए इंशाल्लाह, जितना फल चल के आता है इंसान अल्लाह ताला उसके नाम से उतनी नेकी लिख देता है। क्या चाहिए हमको? जैसे भी आया, गाड़ी से आया, पैसा खर्चा किया, पैदल आया, सारे की नेकी लिख दी जाएगी। ऐसी मजलिस कहीं नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया में घोष जानेंगे नहीं मिलेगी। फिरका मिलेगा, पार्टी मिलेगा, ये आप ख्याल करेंगे मेरे भाई। नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक्कानी दरुसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में 3 दिन बंद रहे। ये देख ले उम्मत, उम्मत कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, और अपने भी खड़ा है मेरे भाई। देख ले नबी पैर परेशान है अपनी उम्मत के लिए, और उम्मत जो है फिरके में जा रही है। नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, अपनी मुर्शिद के हुक्म की ताबेदारी नहीं। क्या पाएंगे आप? देख लें 3 दिन हुजरे मुबारक बंद रहा। अल्लाह हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं दरवाजे मुबारक खटखटाए नहीं खुला, जाते हैं फातिमा जन्नत के पास। आज उम्मत कहाँ से कहाँ ले जाके सटा दिया मेरे भाई। भाई भाई से नहीं सट रहा, मुसलमान मुसलमान से नहीं सट रहा। देख ले दुनिया का क्या आलम है। आज भाई भाई अगर सट जाए तो कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मिंबरे रसूल पर बैठ के, दुनिया के तमाम मुसलमान कलमा गो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, वो लोग भाई हैं। नहीं, आज नहीं सटने दे रहा मेरे भाई। खाली फिरका 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 करके काम खत्म कर दे रहा है भाई, चला जा रहा है खाली। देख ले फातिमा जन्नत के पास जाते हैं, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जाके कहते हैं कि आज 3 दिन हो गया हुजरे मुबारक से खाली रोने की आवाज़ आती है। कहा कि उसके बाद फातिमा जन्नत आती हैं,
दरवाजे मुबारक खटखटाएं, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि आपकी बेटी फातिमा। हे उम्मत है, नमाज नहीं पढ़ती है, हुजूर की सैदाई करती है। आज बारोफात आ जाता है मेरे भाई, डीजे का स्वागत करता है लोग, अब बड़े बड़े दाढ़ी लेके झूमता है। ये बताएं कहाँ है? जो चीज़ हराम है वो हराम है। आप ख्याल करेंगे आपका मुर्शिद मना करता है। देख लें उसके बाद जो है दरवाजे मुबारक खुल गया, अंदर जाती हैं, कहती हैं अब्बा हुजूर आपके आँखें मुबारक में आंसू मुबारक। आज उम्मत क्या कर रही है मेरे भाई? नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं। अब उसके बाद जो है कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ बेटी कि मेरी गुनहगार उम्मत की क्या होगी। तो उन्होंने क्या कहा? अब्बा हजूर आपकी जो गुनहगार उम्मत बच जाएगी ना, मैं अर्श का खम्मा पकड़ के बख्शवा दूंगी। उम्मत के लिए इतनी परेशानी और उम्मत ले जाके डाढ़ा पर खड़ा बा। नहीं मेरे भाई, नमाज पढ़ें, वजीफा पढ़ें, कुरान पढ़ें, इसके सिवा कुछ आपको कुछ नहीं है। आपको पढ़ना ही पढ़ना है नमाज, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने पहला सवाल किया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं? तो उन्होंने क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलाम अलैका अय्युहन नबी। हो पूरा पढ़ डाला, ए अल्लाह ताला ये आपकी पाक नमाज हमको लोग क्या देंगे? नहीं मन का बाट के आगे बटी जाओ, बुरू लोग दे तू देखिए मन का आते गई जहियाँ। नहीं मेरे भाई, बाटे नहीं सटाएं। उम्मत को सटाने के लिए कितनी कोशिश मेहनत कर रहा है नबी, लेकिन हम लोग भागते फिर रहे हैं। नमाज नहीं, कुरान नहीं, इमाम साहब नमाज पढ़े, मुअज्जिन साहब अजान दी हाँ, उन्होंने लोग खातिर बा पैसा दे देनी पूरा हो गई ना भैया। मस्जिद बनेला तो भर है के, आज मस्जिद खाली है मेरे भाई। खूब खूबसूरत मस्जिद आपने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बनाने के बाद भी उसका भी तो हक है। आज बगल का पड़ोसी है बगैर नमाजी है, वो जवाब देगा क्या जा करके वहाँ? मस्जिद के बगल में घर का भी होना बड़ा मुश्किल सौदा बा। यह नमाज पढ़े आई, मौजिन अजान देता इमाम साहब वहाँ पढ़ा के, खाली दूठ आदमी टकर टकर पढ़ के चल जाई, चला इमाम साहब के पैसा देली हमार पूरा हो गई ना। पैसा तो देवे करब, नमाजों पढ़ब। आज इमाम साहब के कई रुपया देते हैं मेरे भाई, इमाम के देने के लिए पैसा नहीं। आज का 50,000 का तनख्वाह है आपका, आप कहते हैं कि उसमें कर्जा हो जाता है और इमाम साहब के 2,000 देव तो इमाम साहब कैसे चले अपन खर्चा? वो देखे को इमाम साहब के कि इमाम साहब का खर्चा चल रहा है कि नहीं, वो देखने होगा। ये गांव की जिम्मेवारी है, इमाम के माने आते हैं सरदार के, आपके गांव का सरदार है वो, उसको ख्याल करने होगा कि उसका चलेगा कि नहीं। 2,000, 4,000, 5,000 दे के मन का काम ओहू में बड़ा पापड़ बेले के होता। देवकर खादिम बना मांगत मांगत थक जाता, दुआरी जा जा थक जाता, तो भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर अभी कोई जमीन जमीन खरीदे के बाद दौड़ के पूरा पहुंच जाता है ले के रुपया अटैची में, आप उसको भी ख्याल करें इंशाअल्लाह ताला। हकानी जरूर से अल्लाह मदन मदन मारी गलान करी मोहम्मद निरान में समय में से न मारे ने नबी ने मोहम्मद मारा आरी मेरे मदन दुनिया तुम वाजी वसाबे और यह मोहम्मद इन्वाइन कमाज़ अल्लाह इसलम नवारे उदारे इंदर सीधन है इब्राहिम और वारे ने सीधन है इब्राहिम इन्नकम इज़्ज़मजीद। वजीफा के बारे में सुन लें, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, फलक और नास, आगे पीछे हक्कानी दरूद शरीफ। जिस वक्त इंसान सूरह फातिहा पढ़ता है उसको 20 पारे का सवाब मिलता है, नहीं? और 3 बार कुलोल्ला पढ़ लिया, 1 ख़त्म कलाम पाक का सवाब मिला। फलक और नास पढ़ने से बहुत परे तासीर से आदमी बचता है, और हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। पढ़ के देखें, फिरका न बनाएं, नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, और जो कुरान पढ़ना यही आपको दिया गया, पढ़ के पूरा पूरी दुनिया से जाएं कि वहाँ जाने के बाद रुसवा न होना पड़े। हैं मुर्शिद की भी रुसवाई होती है ना, मुरीद है नहीं पढ़ता है नमाज, आप जा रहे हैं अजान दे रहा है आप चले जा रहे हैं, कोई देखा है मुरीद हूँ हक्कानी अंजुमन को नमाज नहीं खे,
नहीं, बहुत सारा चीज़ मिलता है। ऐसा नहीं है हजूर फलाने नमाज नहीं पढ़ते हैं, चलो भाई पढ़ेंगे, वक्त आएगा तो पढ़ लेंगे। एक आदमी था, पीर भाई था, एक गांव है, पीर भाई था। जब हजरत का जाने का टाइम हो जाता था, दूसरे पीरान पीर ज़्यादा रहमतुल्ला आ रहे थे, अब पता लगा लेता था कि कब आएंगे हजरत, बस टोपी लगा लेता था। टोपी लगा लिया, जब हजरत पहुंच गए तो लोगों ने शिकायत किया, हजूर जब आप आते हैं तो एक टोपी लगा लेते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप जब पीछे होते हैं टोपी ताखे पर रख देते हैं। कहा कि मेरी तो इज्जत करता है, उसके बहाने से नमाज तो पढ़ लेता है, इतना तो किया कि हमारे हजरत आ रहे हैं, मुर्शिद आ रहे हैं, मैं तो कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ मोडिया में, 5 से 6 आदमी नमाज पढ़ता है, कोई नहीं रहता, हम भी अकेले रहते हैं, भरे उसके कम से कम जितना दिन आपका मजलिस चल रहा है मस्जिद भर के तो दिखा दें, कम से कम ये तो हुक्म मान लें आप। हो सकता है उसके बहाने आपको अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। दुआ करें आप, सारे बूढ़े नौजवान, आज बूढ़ा ही नमाज पढ़ता है मेरे भाई, जवान नहीं, जवान सोच कहता है अभी बहुत टाइम है, तबले आज तो इजराइल अलैहिस्सलाम ठाए से जाके दिवाले में मार देता गाड़ी दम से, बल लड़ के ख़त्म हो, काम खत्म। क्या भाई तब आए आए करके सब चढ़ते ना नमाज, आप अपने मस्जिद को भरें, न मस्जिद को खूब खूबसूरत बनाया और खाली रखा नहीं। नमाज से पहले पूछोगी कि दुनिया से आपने मेरे लिए क्या लाया, मैंने तो सोना खाना पीना रहना बैठना उठना सब कुछ दिया, और आप मेरे लिए क्या लाए। हक्कानी दुरुस्त اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله محمد وعلى آله وصحبه وسلم علي محمد اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد देख ले आज माँ बहनें बेटियां सुनेंगी, खास तौर से पर्दा शर्त है, पर्दे में रहना ही सब कुछ इबादत है उसके लिए। आज देख ले बगैर निकाब के चली जाती हैं लोग, फिर निकाब का ही हिंदुस्तान के अंदर झगड़ा चल रहा है, एक ठो नया निकाल दिया उसी पर लड़ रहा है, उसकी कभी जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीयत में दिया है पर्दा शर्त है, अल्लाह का हुक्म है पर्दे में रहना, औरत पर्दे में रहे, पर्दे में नमाज पढ़े। आज वजू बना करके चली जाती छत पे, कहा भाई गर्मी होता बहुत, रात के ऐसा का टाइम में अक्सर पाया जाता है, किसी गैर का निगाह पड़ जाएगा तो उसका पहला तो वजू टूट गया, अब नमाज कैसे होगा। उसके लिए घर में ही अपने मस्जिद बना ले, घर का एक कोना उसके लिए मस्जिद है, पर्दे में नमाज पढ़े, पर्दे में रहे। माँ बहनें बेटियाँ आज खुले चली जाती हैं, सारे लोग देख रहे हैं, नहीं आप पर्दा शर्त है, पर्दा रखें, अपने माँ बहनें बेटियों को पर्दे में रखें, पर्दा ही सब कुछ है। आज पर्दे का झगड़ा चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन लड़ रहा पूरा, देखा आपने मोबाइल में एक लड़की कितने से लड़ गई पर्दे में, खाली क्या कहा उन्होंने, कहा अल्लाह अकबर, इससे ही फैसला कर दिया, नहीं फैसला कर दिया, सारे को खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया दंग रह गई, उसने खाली एक बार आवाज लगाया अल्लाह अकबर, अल्लाह ही में सब कुछ है। आज हम लोग क्या किया, आप पूरा पूरी अपने माँ बहने बेटियों को पर्दे में रखें, कहें नमाज का हुक्म दें, नमाज पढ़ाएं, वरना जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा दुनिया से। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला मांगेगा, ऐ बंदा तुम मेरे लिए क्या लाया, तो क्या आप देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा था, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं। हक्कानी दुरुस्त है, سوائن من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى من تنازل يا من بعد وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صلى الله وبارك وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بني بيتيا سنيني بابا فريد الدين گنج سکر رحمت الله عليه کی ماں
आज देख लें कैसा नस्ल आ रहा है दुनिया में, टीवी चलाते हुए मोबाइल चलाते हुए आ रहा दुनिया में, क्योंकि माँ बहने बेटियाँ टीवी खूब बढ़िया चाहिए तब तो ससुराल जाए न तो ना जाए। वही देखो खूब टीवी बढ़िया, डिजिटल इंडिया नहीं डिजिटल नस्ल देख लें आप। आप माँ की शिकम में लड़का है वो भी टीवी चला रहा है और माँ के शिकम में वो भी मोबाइल चला रहा है। अगर कुरान पढ़ती माँ बहने बेटियाँ तो लड़का कुरान पढ़ते हुए आता, नमाज पढ़ते हुए आता, कुरान पढ़ते हुए आता, लेकिन आज जो है टीवी चलाते हुए आ रहा है। देख लें बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ हक्कानी दरूद शरीफ बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई। माँ बहने बेटियाँ सुनेंगी यहाँ नमाजे कजावा, मोबाइल पूरा जोर में बड़का चाहिए इतने बड़को चाहे कि चली पूरा दिखाई हर चीज़ शुरू है। मौली साहब हुआ उन्हों के हैं, पीर साहब हुआ उन्हों के हैं, जेकरा के हैं खुद बढ़ के टी वी मिली। ये टी वी है मोबाइल नहीं, आप देखें टीवी है पॉकेट में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर घर घर से छम छम की आवाज़ आएगी, हर पॉकेट से आएगा। आज देख ले ये हुजूर की पेशन गोइयाँ हैं, ये आपका नहीं है। कहे थे कि हर घर घर से छम छम की आवाज़ आएगी, आज देख ले हर पॉकेट से छम छम की आवाज़ आ रही है। नहीं निकाले शुरू हो गया टन अटन। देख लें बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई, और जब बाहर हुए पेट से तो उनकी माँ जो है पहले वजू करती, दो रिकात नफिल नमाज पढ़ती, तब दूध पिलाती और कहती है अल्लाह ताला मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। अब उसके बाद जब चलते हैं, जब टाइम आ गया लोग देखा और ईमान ला दिया, आके अपनी माँ से कहते हैं कि ए माँ देखो हमको लोग देखा और ईमान ला दिया। कहा कि ए बेटा ये तेरा नहीं ये मेरा है, मैंने तेरे लिए दुआ किया कि अल्लाह ताला मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। तो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, ऐ माँ सुन ले जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं आएगी ये तेरा बेटा फरीद भी नहीं जाएगा। आज नस्ल देख ले, यहाँ तो धक्के मार के चल जाते जब बक्सर ले के लड़का लड़की मेरा रुकूल न बा जैसन, अगर पुलिस का नौकरी हो गई तब और ही मजा बा, तब तो ले के चल चला बड़ा खर्चा बा घरे साहेब। खर्चा है मेरे भाई, माँ बाप के खिलाफ अगर थोड़ा सा चेहरे पर शिकन आ जाएगा तो अल्लाह ताला वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो अल्लाह ताला जन्नत भी नाराज हो जाएगा। दे दें देख लें अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक्कानी दरूद शरीफ अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाने का वक्त हो गया है। ये सहाबी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होते हैं, जाने का टाइम है, सारे सहाबी खड़े हैं। अयर कमा कलमा पढ़ दे नहीं आ रहा जवान में, खाली आँख से आंसू जारी है, रो रहे हैं मुंह नहीं चल रहा। जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने शिकायत किया कि उनको तो कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि उनकी माँ से पूछो, माँ से पूछो। जाके लोग कहते हैं, कहा कि मेरा हिसाब और अलकमा का वहीं होगा, चल के वहाँ होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है।
किसका पावर है? माँ बाप के पावर के आगे किसी का पावर नहीं है। उससे बड़ा कोई डीएम नहीं दुनिया में। माँ बाप को संभाल लिया तो जान लो कि जन्नत को संभाल लिया। माँ बाप नाराज है तो जन्नत भी नाराज है, यहाँ तक कि अल्लाह नाराज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हैं, सारे लोग नाराज हो जाएंगे। देख लें अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद जो है जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने अलकमा के लिए माफ़ कर दे, कहा कि ना नहीं। अब उसके बाद जो है कहा कि ठीक है जन्नत से इसको लकड़ी मंगाया जाए। जन्नत से लकड़ी मंगाते हैं, देख ले माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जोश मार रही है। एक बेरी कह देवो कि माई, तब तक कुल गुनाह माफ हो जाए, पूरा बदल देगा, उतना ही उसका गुस्सा है। देख लें उसके बाद जो है वो सवाल करती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि लकड़ी क्या होगा? कहा कि इसको हम लोग आग बनाएंगे, इसको इसी में अलकमा को डालेंगे, जल जाएगा। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माफ़ कर दिया, आप भी दुआ फरमा दें। इतना कहना था कि अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। रूह निकल के परवाज कर गई। ए हैं माँ बाप हक्कानी दुरुस्त, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم سمعنا من سيدنا مولانا ورمينا محمد وعلى آله وحرمتنا جميعا من واج وصحبه اولياء امه اجمعين اما صلى الله عليه وسلم وبارك دورهم على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. نوجوان بچے نوجوان ساتھی سنیں گے، دیکھ لیں एक दुनिया एक था लड़का अपनी माँ को बहुत तकलीफ देता, बहुत तकलीफ, आखिरी सीमा यहाँ तक कि यहाँ का नाखून टान दिया, इतनी तकलीफ दिया दुनिया में। दुनिया में तो तेरा पावर है क्योंकि तुम उससे जबरदस्त हो, अब वहाँ पावर ना चली, ठाई से दबा दी, देख लो। उसके बाद जो है वो लड़का दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला ने जहन्नम में वो अता जगह हटा दिया कि उल्टा मुझको बांध करके लटका दिया, नीचे से आग लगा दिया, आग लगा दिया, जल रहा है, वहाँ जलना नहीं, वो चिल्ला रहा है हाय मौत हाय मौत, मौत आएगी, अब तो मौत आएगी, लब छोड़ो आई। अब उन उसके माँ जो है उनकी माँ दुनिया से जाती हैं, उनको जन्नत मिला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, देख रहे हैं कि खूब अच्छा चेहरा जो है लटका हुआ है जहन्नम में। देख ले माँ बाप किसी तरह से छुटकारा नहीं मेरे भाई, अगर पाना है तो माँ बाप की खिदमत करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। एक बार हाथ उठा देगी तो जान ले कि दीन दुनिया आखिरत सब समझ जाएगा। देख लें उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह ताला इसके गुनाहों की मगफिरत कर दे। कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन नहीं, रद्द नहीं कहते हैं, आज के दिन नहीं। अब उसके बाद परेशान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाके उनकी माँ से कहा, अपनी माँ की अपनी औलाद के लिए दुआ कर। कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने दुनिया में मुझे बहुत तकलीफ दिया, इसलिए उसका सजा वही है। कहा कि तब हाथ पकड़ते हैं लेके जाते हैं, जाके करीब पहुँचा दिया, देखती हैं तो अपना हाथ जो है अपने आँख पे रख लिया, चेहरे पर रख लिया। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुनाह को इसकी गुनाह को मैंने माफ़ कर दिया, आप भी दुआ फरमा दें कि इसकी गुनाहों की मगफिरत हो जाए। इतना कहना था कि सब चीज़ अपने से खुल गया, और लड़का दौड़ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आज ये तुम्हारी माँ का है, इतना बड़ा मर्तबा है। लेकिन नहीं, हमारे नौजवान बच्चे नौजवान साथी खाली बस वही मुसड़ी चढ़ाए में परेशान बा, हम उनका देखत ही जा, मेरा ही ना नस्ल हो मेरे भाई, समझौता नहीं, कितना हूँ समझाए नहीं समझौता, खाली मोबाइल से प्यार बा। देख लो नमाज से नहीं, कुरान से नहीं, अपने माँ बाप से नहीं।
हक्कानी दरुस है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولانا إدريس رحمة الله عليه کے بارے میں سن لیں، कितनी मेहनत किया अपने मुरीद के लिए, आज मुरीद कितना मेहनत करता है देख लें। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह पूरी दुनिया का भ्रमण किया, पूरा टहल डाले, कहाँ कहाँ गए मुर्शिद तलाश के लिए। कहा मुर्शिदे नाराज उनके रखे हैं, आदमी है नाराज दुनिया में देख लें। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला कर दिया, पूरी दुनिया में घूम डाले कोई नहीं मिला। एक जगह जाते हैं, उनका खादिम उनके गेट पर खड़ा है, सवाल करते हैं हजरत से मिलेंगे, कहा कि ठीक है पूछ के आते हैं। जाते हैं तो हजरत ने कहा बुलाओ भाई, वो भी आँख वाले थे, उसमें पावर में कमी नहीं था। अब उसके बाद बुला के ले जाते हैं। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन में बैठ गए, नहीं मौलाना आप मौलाना भी हो सैयद साहब हो ऊपर बैठो। बैठ जाते हैं, कहाँ क्या चले हो मौलाना, कहाँ कि हजूर मुरीद होंगे। कहाँ मुरीद तो होना अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा, हमको नहीं लगता है कि तुमको दुनिया में कोई मुरीद कर देगा। दुनिया की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई मुरीद कर दे। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह परेशान हैं, ए अल्लाह क्या मेरे लिए कोई मुर्शिद ही नहीं है दुनिया में। यहाँ तक कि मदीना पहुँच गए, किसकी बात का इनकार है मेरे भाई पीर भाई। अब क्या चाहिए, कितना पुरूफ चाहिए अल्लाह के औलिया होने का। आज हम लोग मानते नहीं, पीर भाई नहीं मानता है, माने देख ले। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तक कि मदीना पहुँच गए हक्कानी दरुस शरीफ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم سبحان من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وحنا دنا دنيا دمج ما جوا صاحب علي محمد جميع كما صلى الله عليه وسلم بارك دار دنا سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ यहां तक कि मदीना पहुंच गए, मस्जिद नबी में मजार शरीफ पे पहुंच जाते हैं, खादिम से कहते हैं कि गेट मुबारक खोल लो। कहा कि कहें कि हम इनके खानदान के हैं, हाँ हाँ ऐसे ही जो आएगा खुल जाएगा। खादिम नहीं खोलते हैं, 15 दिन बैठे रहे जीने पे। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह 15वां दिन अपने से गेट मुबारक खुला, उसमें से आवाज़ आई, बेटे इदरीस आज जी इधर आओ। जाते हैं, कहा कि क्या चले हो, कहा कि पूरी दुनिया में खोज डाला मेरे लिए मुर्शिद नहीं है लगता। कहा कि नहीं तुम्हारे लिए मुर्शिद तो है, तो कहाँ है, कहा कि बाघ मारी। किसने हुक्म दिया, आज मैं किसके हुक्म का इनकार करता हूँ। फिरका तो बहुत आई, इतना आई कि बोड़ा में डाल देव तो ना पूरा भर के उभरा जाए, लेकिन नमाज से कोई समझौता नहीं करेगा, न हलाल से कोई समझौता करेगा। सारे लोग सुस में इन्वॉल्व हैं, आज देख लें दुनिया का क्या आलम है। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं, अरे मौलाना मौलाना, कहा कि जी हजूर चले जाओ बागमारी। मुख्तसर में बागमारी गेट पर पहुंच गए, पहुंच के क्या किया मौलाना साहेब देख लो। अरे अल्लाह का औलिया भीतर व अंदर, ऊ का कहता उसके मां जो है गेट पर खड़े हैं और दिल में सोच रहे हैं कि अगर कामिल होगा तो बुलाएगा। और दरूद शरीफ पढ़ने लगे, मुर्शिद ने क्या कहा, अरे खादिम सब ने कहा देखो गेट पर कोई खड़ा है। जाते हैं, गेट खोल करके बंद कर दिया, हजूर ऐसा आदमी नहीं देखा। कहा कि जल्दी बुलाओ, बुला के जाते हैं तो क्या कहा हजरत ने, कहा कि है मौलाना तुम्हें किसने भेजा, और उसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं था। ये है अल्लाह के औलिया देख लें, तुम्हें उसके बाद भी यकीन नहीं था, दिल में सोच रहा था कि कामिल होगा तो बुलाएगा। और दरूद शरीफ पढ़ने लगे, कहा कि इतना कहना था कि मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सजदे में चले जाते हैं। कहा है मौलाना उठ के बैठ जा, उठ के बैठ जा।
बैठ जाते हैं, कहाँ क्या चले हो, कहा कि हजूर मुरीद होंगे, कहा कि हाँ मुरीद होना तो अच्छी बात है, कहा कि हाँ एक हुक्म है मुर्शिद का, कहा कि 100 हुक्म हजर, कहा कि नहीं एक मुर्शिद का हुक्म है, कहा कि जी हजूर बोले हुक्म हो, कहा कि जितना इल्म है ना सब ताक पर रख दे, सब ताक पर रख दे तब तो समझौता, वरना खानका से गेट आउट। उसके बाद जो है कहा बहुत देर हो गई मौलाना, टाइम 3 मिनट वरना खानका से गेट आउट। कहते हैं हजूर मैंने सारे इल्म को ताक पर रख दिया, अलिफ से पढ़िए भुला गिन, पूरी जिंदगी में कभी माइक नहीं पकड़ा, उस वक्त तो माइक नहीं था, तकरीर नहीं किया, मुंह को बंद कर दिया मुर्शिद, कहा कि मौलाना 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया, अल्लाह ताला अल्लाह का औलिया का हुक्म नहीं, क्या माने अब क्या चाहिए, केहू को मत सुना जा, आपन आपन कर जा इंशाल्लाह, मुरीद के माने बिकना, मुरीद के माने बिकना, हकानी जरूर सही, यही वजीफा पढ़ के लोग अपने मौत की खबर बता दिया, बहुत सारे ऐसे मुरीद गए दुनिया से, बता दिए मेरा टाइम है, मेरा वक्त है, मेरा दिन है, ए टाइम दिन सब बता दिया। एक मुरीद था, अब कहता है कि मैं कल जाऊंगा 8:30 बजे, ए वजीफा यही पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। लोग कहते हैं कैसे होगा, कहा कि नहीं होगा, कल मैं जाऊंगा, मेरा जाने का टाइम 8:30 बजे होगा। कुछ लोग आदमी बैठे थे, सारे लोग सुन के जाते हैं, कहते हैं कि कल चल जी हमको 8:30 बजे, देखी रहे कि 8:30 बजे चल जाना, एक कुर्रा की बात है और घर की बात है, यही वजीफा पढ़ा। अब सुबह हो जाता है, कहते हैं कि अच्छू, कहा कि हाँ बाबा, कहा कि बाबा नहीं आए, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह मौडी यहाँ थे, कहा कि बाबा नहीं है, भैया नहीं है, कहा कि नहीं, कहा कि ठीक है, कई बजा 8:25 हो गया, कहा है मेरा कपड़ा उतार दो, कपड़ा उतार दो, पढ़ेंगे तब हलाल खाने होगा, नमाज पढ़ने होगा, माँ बाप की खिदमत करनी होगी, इंशाल्लाह रिस्क तो अल्लाह है। आप सोचते हैं कि कहाँ से खाए के मिली ना, अरे खाए के बैंक के थोड़े दे, अल्लाह दे, देख लो उसके माँ जो है कहा कि मेरा कपड़ा उतार दो, कहा उतार दिया, कहा कि कितना बजा, अच्छू, उनको लोग प्यार से अच्छू कहते थे, दूसरे पीरान पी ज़्यादा रहमतुल्लाह अलैह को, कहा कि 8:30 बज गया बाबा, अंगूठा से अपने चादर को दबाया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अस्सलामु अलैका इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अस्सलामु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, गवाह रहना, गवाही शहादत के साथ दुनिया से चला गया। जब पीरान जाते हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, तो पीरान पीर ज़्यादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बाबा, भैया बाबा तो ऐसे ऐसे कह के चले गए, कहा कि रात को फाश कर दिया, आज देख ले हम लोग कितना माना, नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, मुर्शिद की खिदमत नहीं, मुर्शिद के हुक्म को माने नहीं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, ए मेरे भाई जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इसको तू नमाजी बना दे, नहीं कर सकते, दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, अपने लिए मांगे, अपने औलाद के लिए मांगे, अपने घर के लिए मांगे, मांगे दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत है। देख लें एक शराबी शराब पी करके जा रहा है, हकानी दर उसे, अल्लाह
इब्राहिम देख लीजिए शराबी शराब पी करके जा रहा है, उधर से उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु आ रहे हैं। जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु को देखता है और हाथ में बोतल लिए हुआ भी था, बोतल को छुपाने लगा। ये है दुआ, देख लें आज हम लोग दुआ नहीं करते, दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते, आमीन नहीं कहते, बहुत सारी चीज़ें सब चीज़ छोड़ दिया, जैसे जैसे किया और चला गया। क्या जरूरत थी, नमाज पढ़ो, मांगो अल्लाह ताला से, रो गिड़गिड़ाओ। देख लें उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु करीब सट जाते हैं, भाई क्या छुपा रहे हो, निकालता है तो कहा कि क्या लिए हो, और उसने दिल ही दिल में दुआ करना शुरू कर दिया, ए अल्लाह ताला आज मैं उमर की सजा से बच गया तो शराब का पीना छोड़ दूंगा। दुआ कर रहा है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, उन्होंने क्या कहा, इसको गिराओ हम देखेंगे। जब गिराता है तो उसमें से गरम गरम दूध गिर रहा था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनु कहते हैं, अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि अय उमर, इसने मुझसे दुआ किया इसलिए मैंने इसके शराब को दूध में बदल दिया। नहीं पढ़ेंगे तब, मांगेंगे तब, मांगना नहीं, नमाज तो पढ़ना ही नहीं है। फिर भाई नमाज पढ़े, मेरे भाई नमाज पढ़े, दाढ़ी रखे, पुराना हो गया इंसान, बुढ़ा पैर कब्र में हो गया लेकिन तो भी दाढ़ी से समझौता नहीं है। देख ले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी होते थे, हकानी दरूद शरीफ, وَهَلْ दाढ़ी देख ले, दाढ़ी कितना बड़ा कीमत है इसका, नहीं सफेद दाढ़ी अल्लाह ताला फरिश्ता ले जा रहा है, ए अल्लाह ताला ये जहन्नम का हकदार है, ले जाके गेट पर सवाल करता है अल्लाह ताला से, ए अल्लाह ताला इसके दाढ़ी सफ़ेद हैं, इसको कैसे जन्नत में और जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह ताला सोचने लगता है, अल्लाह ताला ने क्या कहा, ए फरिश्ता इसको जन्नत में डाल दे। एक दाढ़ी के बदले में अल्लाह ताला ने उसको जन्नती बना दिया। देख ले एक सहाबी थे, उनके एक ही दाढ़ी का बाल था, एक ठो गिनती में नहा लेते थे तो घंटों कंघी करते थे, कंघी कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, मुस्कुराते हैं देख करके। उसके बाद सहाबी फिर जाते हैं, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हैं। ऐसे ही दो तीन दिन हुआ, वो सोचते थे कि खराब लग रहा है, बस उस दाढ़ी के बाल को काट दिए। आज हम लोग क्या करते हैं, खूब छील दिया, बढ़िया से छील के ले जाके मोरी में डाल दी, देखें दाढ़ी का मर्तबा। उसके मान जो है कहा कि उसको काट दिया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर घुमा लिया। अब सहाबी हैं, परेशान हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कौन सी गलती हुई जो बजाया जाए। कहा कि तूने एक दाढ़ी के बाल को काट दिया। कहा कि आप हंसते मुस्कुराते थे इसलिए हमको समझ में आया कि अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैंने काट दिया। कहा कि मैं इसलिए हंसता मुस्कुराता था, तुम्हारे एक दाढ़ी के बाल में जन्नत की 70 हूरें झूला झूल रही है ना, ले जाके काट के फेंक दे लो। पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया, एकदम पक गया है तो भी चिल रहा है, अब क्या तुम्हारे लिए भैया, अब तुम्हारे मस्जिद घर, मस्जिद घर, मस्जिद घर, चलो वही करते करते दुनिया से चले जाओ। ए अल्लाह ताला दुनिया से उठाना तो ईमान के साथ दुआ करें। नहीं नहीं कर सकते, आपका मुर्शिद भी कहता है दुआ मांगे, दुआ करें अल्लाह ताला से मांगे। आज हक्कानी जरूर से अल्लाह वजल अजीम मालिक नाम करीम मोहम्मद अली नान में सवाई उन्हें सही नाम वाले ने और भी नाम हम वजल वाले आने ही वहर में तो ना जुनी आज मज माज में सामने होनी आए मुझे में कमाल जल नहीं सुन तुम दोबारे दोबारे इन तो रजी इन रही बुराई मो तुम्हारे ने सही इन रही बुराई माइन कमी तुम मजीद एक मौलाना साहब
हज करने जाना था, देख ले मुर्शिद, मुर्शिद की आवाज़, मुर्शिद की बात, मुर्शिद का हुक्म, जाते हैं, कहा कि हजूर मेरा आज फ्लाइट है हज के लिए 4 बजे। कहा कि हाँ मौलाना, एक मिट्टी का ढेला ले लेना, छोटा होता है, तयम्मुम के लिए मिट्टी का ढेला ले लेना, देख ले मुर्शिद अपने मुरीद के नमाज को कैसे बचा रहा है, वो देख रहा है कि जहाज में क्या गड़बड़ी बा। अब उसके बाद कहते हैं कि एक मिट्टी का ढेला ले लेना, अगर एयरपोर्ट पर बच जाएगा तो तुम्हारा, और ले लेगा तो उसका। अब वो किक्के ले, अब उसके मान मुस्कुराते हंसते हैं थोड़ा सा, कहा कि मौलाना ले लेना, आलिम थे ना, ले लेना। ले लेते हैं, जाते हैं एयरपोर्ट पे, जो भी चेकिंग मेकिन हुआ वो चला गया, यहाँ तक कि जहाज उड़ गया। जहाज उड़ना था 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी चला हो, असर का वक्त हो गया और जहाज का पानी खत्म हो गया। अब उतरी ना, तोहरा खातिर ना उतरी, नमाज तक कजा हो गई। उसके बाद कहा कि निकाल लेते हैं ढेले को, और रोना शुरू कर दिया। उसके बाद इतना रोए कि हिचकी बन गई, सोच देखा कि नमाज चला जाएगा, जल्दी जल्दी तयम्मुम किया। बगल वाले हाजी क्या कह, हमको भी दे दे, बगल वाला हाजी कहता हमको भी दे दे, वो हाजी कहा हमको भी दे दे, वो हाजी कहा हमको भी दे दे। जितने नमाज में हाजी बैठे थे, नमाज मुर्शिद ने तयम्मुम के जरिए सारे के नमाज को बचा दिया। अगर नमाज कजा हो जाता तो जान लीजिए कि सजा बहुत बड़ा है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं मेरे भाई, यहाँ तक कि मौलाना पहुँच गए। उसके बाद जो है हज वज करके फिर वापस आते हैं, मुर्शिद के यहाँ जाते हैं, मुर्शिद से मिलने के लिए, मुर्शिद को देखकर रोना शुरू कर दिया। अभी जो पर्दा हुए हम को लोगों के, हजरत साहब सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह, कहा कि उसके बाद आके देख के हजरत को रोना शुरू कर दिया। कहा कि क्या हुआ मौलाना, क्या हज नहीं हुआ कि बाकी रह गया, कि क्यों रो रहे हो, और रोते जा रहे, हिचकी बन गई। उसके बाद कहा हजरत हमारे मुर्शिद जो है जहाज के पानी को देखता है। कहा कि है मौलाना, तूने आज समझा, मुर्शिद दिल की बात को जानता है, नहीं पढ़ के देखें, दिल लगा के देखो तब समझ में आएगा, दिल नहीं लगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मोहब्बत करने होगा, वजीफा से मोहब्बत, अपने मुर्शिद से मोहब्बत, इस मजलिस से मोहब्बत करने होगा। हक्कानी जरूर से देख लें, आज देख लें। लोग कहते हैं ना मजार पे कव्वाली है तो वो है तो वो है, जो चीज़ हराम है वो हराम है मेरे भाई, बाजा कभी जायज नहीं हो सकता। देख लें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगी हुई, मजलिस लगी हुई है और कव्वाली हो रहा है, बाजा बज रहा है, ख्वाजा साहब भी झूम रहे हैं और सारे मुरीद झूम रहे हैं। ख्वाजा को हुक्म था, ख्वाजा साहब को हुक्म था, अरे ख्वाजा तुम कवाली कराओ, तुमको क्या हुक्म है, नमाज वजीफा कुरान, तुमको वो हुक्म नहीं है, वो गलत है तो गलत है। देख लें बादशाह पहुंच जाता है, कहा कि अरे ख्वाजा एक शिर्क है यानी गुनाह है, एक गलत है क्योंकि बाजा बज रहा है। अरे अल्लाह का उलिया क्या सुनता है, आप नहीं जानते हैं। उनको हुक्म था कव्वाली कराने का, कहे कि पहली बार गए तो वहाँ का बादशाह भगा दिया, बड़ा लंबा कहानी है। फिर हुक्म हुआ तुम जाके वहाँ कव्वाली कराओ, आपको क्या हुक्म हुआ, मजार पर कव्वाली करा देवो तो जाए जी ना, बाजा बजा देवो तो जाए जी ना, जो हराम है हराम है। अब जो है वो बादशाह उस उसमें जितने तंबू में रस्सी लगे हुए थे सारे के रस्सी को अपने पुलिस से कटवा दिया, कटवा दिया, मुअल्लक खड़ा रहा, कुछ नहीं लगा हुआ है। हक्कानी दर से
محمد رسول اللہ علیہ وسلم کریم رحمت اللہ العالمین زبان و سیدنا مولانا و نبینا محمد و علی واحلى ذرا ذريات من وحي وصحابي اولياء متجمعين كما صلى الله عليه وسلم مبارك دورهم ترى سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد سارے رسی کو کٹوا دیا معلق کھڑا ہے کچھ نہیں لگا ہے کہا کہ اے کاجا یہ شرک ہے گناہ ہے کہہ کے چلا گیا بادشاہ और बादशाह जाता है उसके बाद जो है खाजा साहब की मजलिस खत्म हो गई। खाजा साहब जाते हैं बादशाह के यहाँ, बादशाह अपने सिपाही से कहता है हम नहीं मिलेंगे। अब जो है खाजा साहब चले आए, अब जो है बादशाह जो है जिंदगी और मौत के बीच में खेलने लगा। अब जाए तब जाए इजराइल अलैहिस्सलाम खड़ा बन बकलिए में करा। अब उसके बाद अपने सिपाही से कहा कि खाजा साहब को बुला लाओ। जाते हैं तो कहा कहते हैं खाजा मैं इंतजार कर रहा था तेरे सिरक को मैं कहाँ पहुँचाऊँगा देख ले। जाते हैं खाजा साहब, कहा कि खाजा मेरे लिए दुआ कर दे। कहा कि हे बादशाह तेरा सिरक कहाँ गया, तेरा सिरक कहाँ गया। ये अल्लाह के उलिया क्या सुनते हैं आपको मालूम नहीं ना, वो बाजा थोड़ो सुनते हैं, वो पैदाइशी अवलिया रहा छवे सात साल का रहना तब वो देख ले रहा। छोटे थे सुनते हैं तभी उनका ये था। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, छोटे थे मासूम बच्चे थे अभी, वो पैदाइशी रहा। तो उसके बाद जो है मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे तब से वो उठ के झूमने लगते हैं, रुक रहे झूमने लगते हैं। मौलाना साहब ने कहा बैठ जा, बैठ जाते हैं। फिर दूसरी बार उठ के झूमने लगे, अभी मासूम बच्चे थे खाजा साहब। आज देख लें लोग क्या न कहते हैं, तू बाजा कवाली करीब भैया तो ना चली तो कह दे कि देवबंदी हुआ यो आफत बा। वो कह दे कि तू बरेली हुआ वो आफत बा। मुर्शिद कहता फिरके के साथ नहीं अमल के साथ रहो। देख ले खाजा साहब जो है पैदाइशी अवलिया थे। जब तीसरी बार उठ के झूमने लगे बस जो है क्या नाम है मौलाना साहब भी झूमने लगे, झूमने लगे नाचने लगे। पावर वाला वो रहा आँख वाला रहा मौलाना। जब पूरा सब खत्म हो गया मजलिस यानी तकरीर खत्म हो गई तो सारे लोगों ने सवाल किया मौलाना साहब से कि क्या नाम है, आप तो पहली बार उसको बैठा दिया, दूसरी बार बैठा दिया और तीसरी बार आप खुद ही झूमने लगे। कहा कि जब तीसरी बार झूम रहा था लड़का तो आसमान के फरिश्ते भी झूम रहे थे, मैं फरिश्तों के इस्तकबाल में मैं भी झूमने लगा। पैदाशी रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा आई रहा, हुक्म था मदीना से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म था कि आप अजमेर चले जाओ। कहा कि मैंने तो अजमेर नहीं देखा, नक्शा बना के भेजे थे। बहुत बात है, खाजा को मदीना भेजा और मौलाना इदरीस रहमत वहाँ अजमेर भेजा और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को बागमारी भेजा, नहीं क्या चाहिए भाई। अब तो वह बाकी बजी जो बकुलिया अमर जो बकुलिया तो नान करिए लाई रम ज्यादा कर तमाम आलम पर आ कहत अल्लाह तुह करके अकानी जरूर से बादशाह ने कहा मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला मरने के बाद मुझे अच्छी जगह इनायत फरमा दे। पहले तो आप मुझे माफ कर दें, माफ़ी मांगा उसके बाद दुआ की दरख्वास्त दिया कि मरने के बाद कहें कि टाइम आ गया देखा था। और उसके बाद खाजा साहब चले आते हैं, ये तेरा सिर खाली सिर सिर कह के चल जाता हूँ उसको। अरे नहीं भाई तेरे लिए नहीं, तुमको खाली नमाज वजीफा कुरान
नमाज कुरान करते करते अल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। हमारा मुर्शिद नमाज कुरान वजीफा करते करते दुनिया से चला गया। ये तुम भी लो और तुम भी करके आना। खुल्लम किताब दिया हकानी दर उसे मुर्शिद सब खानकाह में दिखाया, बहुत सारा करामात दिखाया, अपने मुरीद को दिखाया, एकदम पूरा स्पोर्ट पर दिखा दिया। देख ले सब चीज़ यही है। कुछ लोग गए, कई मजलिस थी वहाँ, मजलिस करके वापस आ रहे थे कि एक स्टीमर भरा हुआ था, 200 आदमी जितना रहे हूँ, 300 आदमी जो भी, पूरा स्टीमर भरा हुआ है और उधर से आ रहा है, और वो स्टीमर जो है चकों में फंस गया, नदी के चकों में फंस गया, अब उसी में घुमरा रहा है। अब जाए तब जाए। पायलट ने क्या कहा, भाई अब तो हम लोग अल्लाह अल्लाह करे जा, हमार काम खत्म। पायलट ने सिलेंडर बोल दिया, कह दिया कि जब चला जाए अब इसमें मेरा कोई पावर नहीं। ये अल्लाह के उलिया का पावर देखें। सारे मुरीद हाँ कर रहे हैं, और जो है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह उसी जहाज में थे। मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह अलैह जाके कहते हैं, भैया जहाज डूब रहा है। कहा कि मौलाना हकानी दरूद शरीफ पढ़ो, अब उसके मान अब जाए तब जाए। फिर दोबारा जाते हैं, कहा कि भैया जहाज डूब जाएगा, अब जाएगा कि तब जाएगा, सारे लोग चले जाएंगे। कहा कि ए मौलाना क्यों नहीं पढ़ते, असद वाहिदहु ला शरीक लहु वअसदवन मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु। इतना कहना था कि मौलाना वाइस साहब रहमतुल्लाह ले जाके ऊपर देखते हैं, झांकते हैं तो मुर्शिद अपने कंधे मुबारक से जहाज को बाहर ढकेल के कर रहा है हकानी दर से। ढकेल को बाहर कर दिया, सारे लोग उतर के फिर खानकाह आ गए। अब जो है मुर्शिद ने क्या कहा, सारे लोग जाके वहाँ खड़े हैं, कोई बैठ गया, मुर्शिद ने अपने हाथे मुबारक उठाया, देख ले मुर्शिद सूफिया जनगाछी रहमतुल्लाह अलैह, सारे लोग करके गए, उठाए हैं हाथ को। उसके बाद कहा कि जितने लोग हैं ना सब जन्नत में चले जाएं। तो सब हुकूक माफी घुस गए, चलो भाई हजरत कहना तो घुस गए नहीं जा। एक बंगाली बैठे रहे, माफी बैठे रह जाते हैं। कहाँ आमी देखो तब जाबो, यानी देखेंगे तब जाएंगे। मुर्शिद का हाथे मुबारक 5 मिनट उठा के रखा, उसके बाद कहा आमी जाबो, यानी मैं जाऊँगा। मुर्शिद ने क्या दिखाया और मुरीद ने क्या देखा, हुकुम मान लिया। ये प्रैक्टिकल है खानकाह के अंदर, सारे की हाजिरी खानकाह में, दुनिया के तमाम औलिया, तमाम दो अल्लाह के दो अल्लाह के मानने वाले सबकी हाजिरी होती है। देख लें एक मौलाना देवबंदी साहेब रहमतुल्लाह रहे थे वहाँ, फिरका नहीं खानकाह में, फिरका नहीं, सारे मानने वाले जाते हैं वहाँ, नहीं चलता किसी का मेरे भाई, सब लोग नमाज वजीफा कुरान ये है, इसी से समझौता है। ये तीन चीज दिया मुर्शिद ने, नमाज कुरान वजीफा, ये पढ़ ले और सीधा जर हलाल खाने के हो, पूरा पूरी दे दिया। अगर चार चीज पर अमल कर जाओ, मुर्शिद कहते हैं सीधा जन्नत, एकदम ऐलान कर दिया। लेकिन खाने होगा हलाल, मुर्शिद का हुक्म माने, नमाज पढ़नी होगा। आज हम लोग नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, और सुस्त से समझौता है मेरे भाई, नहीं ऐसा न करें। हकानी दरूद शरीफ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين كما صلى وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مولانا دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے دیوبند سے فارغ تھے وہاں سب لوگ جاتے ہیں وہاں نہیں ہے اونچ چوپی نیچ چوپ سارے لوگ جاتے ہیں کسی کا وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کس فرقے نہیں نماز فرقہ قرآن وظیفہ ماں باپ کی خدمت ایک چیز ہے بس حلال کھانے کے لیے کہتا ہے سود سے نہیں دیکھ لیں مولانا دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرشد نے کیا کہا کہا کہ اے مولانا آپ تو عالم ہو میں تو جاہل ہوں مولانا بتائیے 26 بھاشے میں اپنے وظیفے کو یہ 24 بھاشے میں ایجاد کیا آج 28 پہ پہنچ گیا اس کے بعد جو ہے حوض پر دونوں لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہا ہے مولانا بنا کے دکھا دے نہیں بناتے ہیں مرشد نے شروع کیا وضو بنانا پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تب سے مولانا صاحب بے ہوش ہو گئے لو گر گئے لو چھیٹا مارا مرشد اٹھ کے بیٹھ ایسے ہی وضو پورا کرتے کرتے 3 بار بے ہوش ہوئے جب پورا وضو ہو گیا تو مولانا صوفیہ جان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا اے مولانا تو نے کیا دیکھا تو انہوں نے کیا کہا آپ کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا چاہیے مانو کہ حکومت سنا کہ آجائے نہ سنے مرید نہیں مانتا ہے مان جاؤ اسی میں بھلائی ہے اور کچھ نہیں ہے دادا پر دادا سب چل گئے ہم وہ لائق نہیں کی لیکن اس کی تو بات مان لے سارے لوگ کر کے گئے دکھا کے گئے آپ کے گاؤں میں دکھایا یہاں دکھایا وہاں دکھایا سب کرامات دکھا کے گئے یہی سہناؤ ہے پھانسی کی سزا لکھ دیا کل تیری 8:30 بجے پھانسی ہوگی وہ آدمی پہنچ جاتا ہے پیران پی جادہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضور میرے بھائی کی کل پھانسی ہے یہی سہناؤ ہے لیکن مانا آج تک ایمان نہیں لایا 8:30 بجے پھانسی ہو جائے گی حضور کہاں کہ ٹھیک با نہ ہوئی تھوڑا سا محنت کرے کے ہوئی لیکن لگا دے دیکھیں اس کے بعد کہاں کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ تمہارے بھائی کی پھانسی نہیں ہوگی لیکن ایک بات ہے کہ مڑ کے پیچھے نہیں دیکھے گا مڑ کے پیچھے نہیں دیکھے گا دروازہ جو گیٹ پر سنتری تھا وہ سو گیا سو گیا اب جو ہے اپنے آپ سے پھاٹک کھلا اڑڑا کے کھلا دھیرے سے نا اور جو اس کے ہاتھ میں بیڑی ہاتھ کڑی تھی وہ بھی کھل گئی پیر میں بیڑی تھا وہ بھی کھل گیا اور چل دیا کچھ دور جاتا ہے تو کیا دیکھ کہتا ہے اے ہمارا جوتوا کہاں رہ گئے تری جوتا جانا تھا لیکن لگا کے رکھا مرشد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا کہیں دیکھ لو اس کے بعد جو ہے جاتے ہیں بس گھسنا وہ اپنے سے بند ہو گیا جب ہڑا کے بند ہوا تو سنتری جگ گیا اور ان کے ہاتھ میں اپنے آپ سے ہتکڑی لگ گئی پیر میں بیڑی لگ گیا سو گئے ان کی پھانسی ہو گئی حکم نہیں مانو گے تو وہی ہوگا آج ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں وہ مزار کہاں مزار پہ جاتے رہو کرو جب رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی وسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بھوت پریتا سے سب چیز بچاتا ہے آج ہم لوگ نہیں مانتے میرے بھائی مانو مرشد کا حکم ہی کامیابی ہے مرید کے معنی آتے ہیں بکنا حقانی ضرور صحیح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آگاہ ابن موت سے